हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए आपकी ही कमेंट पे एक वीडियो लाया हूँ। ज़्यादातर मैं वीडियो बनाता ही कमेंट पे हूँ, आप ही की कमेंट, ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर मिल सकें आपको। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो सब्सक्राइबर का कहना है कि ये जो इंडिकेटर आता है, इसमें मेमोरी समझ में नहीं आ रही। ऐसे कई इंडिकेटर मार्केट में आ रहे हैं, तो किसी भी बड़ी डिस्प्ले का इंडिकेटर अच्छा सा बना के उसमें कोई सा भी कार्ड फिट कर दिया जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मेमोरी है वो समझ में नहीं आ रही, सेटिंग किसी को समझ में नहीं आ रही। तो ये काफ़ी टाइम से कमेंट आ रही थी, मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो मैंने एक दिन कोई इंडिकेटर हाथ में आया मेरे, तो मैंने देखा तो मेरे वाकई समझ में आया मैंने कि ये चीज़ हो सकता है कि एक सब्सक्राइबर को समझ में नहीं आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वीडियो आपको पूरे YouTube में आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, मिलने वाली नहीं है। ये पहली बार डाल रहा हूँ मैं YouTube पे वीडियो, और ये किसी के पास नहीं मिलेगी। इसको देख के शायद और कोई यूट्यूबर वीडियो बना सकते हैं, पर इससे पहले कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। इससे पहले कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो देखिए, हम दिखाते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है जो मेमोरी समझ में नहीं आ रही है। इसको ऑन करते हैं, बड़ी डिस्प्ले का इंडिकेटर है ये। ये देखिए, इसमें इक्वल का कार्ड डाल रखा है, ये मॉडिफाई किया हुआ है इंडिकेटर है, स्मार्ट लिखा हुआ है, कार्ड इसमें इक्वल का है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या प्रॉब्लम है जिससे मेमोरी समझ में नहीं आ रही है। देखिए, ये इसकी मेमोरी है, कई बंदों को ये मेमोरी समझ में आ नहीं रही है। और कई जो ज़्यादा होशियार है वो समझ जाते हैं एक ही बार में, जो जानते हैं जिन्होंने ज़्यादा काम किया है वो समझ जाते हैं। तो देखिए, मैं भी एक ही बार में समझ गया था ये देखते ही मैंने कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये मेमोरी इसमें दिखा रहा है तो ये बंदों को समझ में आ नहीं रही है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी भी सही है, जो आप देखते हैं वही मेमोरी है, ज़्यादातर कार्डों में यही मेमोरी पाई जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है फ्रेंड्स के, इसमें जो डिस्प्ले है इसमें कुछ अक्षर कटे हुए हैं, ताकि दबे हुए हैं उधर, डिस्प्ले बड़ी होने के कारण कुछ अक्षर इधर दबे हुए हैं, इसलिए पूरा ये पास भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि मैं चाहूँगा कि आगे से भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आपको जो बंदे समझते नहीं हो, जिनको प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो ये कर सकते हैं, एक छोटा डिस्प्ले अंदर से बेल्ट निकाल के छोटा डिस्प्ले लगा के और ये मेमोरी समझ सकते हैं। तो इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी छोटी डिस्प्ले लग जाएगी ये लगा के और मेमोरी समझ सकते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी वीडियो, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।